उसके बाद कई सतोरियां मेरी घटी गंगा के किनारे, पटना में पढ़ता था तो गंगा के कारण ही मैं रह सका, नहीं तो मेरा मन इतना उचाट हो जाता था। तो जीवन में अर्थ किसी चीज में दिखाई नहीं पड़ता था, बड़ा वैराग्य लगता था, बीच बीच मन करता था भाग जाए, हिमालय चले जाए तपस्या करने। तो जब कहीं से कोई सहारा नहीं मिलता था तो मेरे हॉस्टल के बगल में गंगा बहती थी, जहाँ मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था, तो रात में जाके गंगा किनारे बैठता था, वहाँ गांधी घाट है, गंगा का घाट है बड़ा सुंदर, वहाँ जाके बैठता था दो दो घंटा चार चार घंटा। पता नहीं चलता था क्या होता था, लेकिन गंगा से एक रिस्पॉन्स होता था, एक तरह की जैसे माँ के गोद के सामने कोई बच्चा बैठ जाए, माँ उसको प्यार कर, ऐसा ही मुझे रिलैक्सेशन मिलता था और सारे टेंशन भी दा हो जाते थे। फिर सुबह में तरोताज़ा लौटता था, फिर दिन अपने कार्यक्रम में जुट जाता था। तो जब जब बहुत टेंशन हो जाए, बहुत घबराहट हो, जब मुझे कोई उपाय नहीं दिखता था, क्योंकि पढ़ने में मुझे मन नहीं लगता था, भगवान से मिल चुका था और भगवान के पास जाने की इच्छा होती थी, धर्म की तरफ जिज्ञासा हो गई थी, किसी चीज़ में मन नहीं लगता था, तो जब मैं बहुत घबरा जाता था तो गंगा किनारे जाके रात में बैठता था। तो गंगा के दिन में कई कई बार जाता था, जब जब भी मौका मिले मैं गंगा किनारे जा चला जाऊँ, नदी से प्यार है, गंगा से तो बहुत प्यार है, तो दिन में 10 बार भी कभी जब भी मौका मिले, मेरा सब लोग कहते थे अपने बिलेबेड़ के पास जा रहा है, मेरे बिलेबेड़ ही गंगा, सब लोग कहते थे, हॉस्टल में बदनाम था मैं, चला अपने बिलेबेड़ के पास, तो मैं अपने गंगा के पास आकर के बैठता था, तो बड़ा फिर ट्यून हो जाता था, फिर शांत हो जाता था। तो गंगा ने मुझे बहुत मदद की है। पटना में ही एक बार हम लोग गंगा के पार नदी से, 70s की घटना है, 71 की, कुछ दोस्त हम लोग ओशो प्रेमी, उस समय नया नया सक्रिय ध्यान निकला था, तो हम लोग सक्रिय ध्यान का प्रयोग करने के लिए गंगा के पार नाव से गए, 71 की घटना है, और हम लोगों ने सक्रिय ध्यान किया बालू पर और फिर गंगा में सब लोग नहाए। स्नान किया सक्रिय ध्यान करने के बाद, उस समय सन्यास भी हम लोग नहीं लिए थे, सन्यास तुरंत तुरंत निकल ही रहा था। फिर एक नानक का भजन अभी तक मुझे याद है, नानक का एक प्रसिद्ध भजन है, काहे रे बन खोजन जाए, शिव निरंतर घर घर बसता साईं, काहे रे बन खोजन जाए, ऐसा कुछ भजन है नानक का। वो एक मित्र टेप में शुरू नया नया टेप रिकॉर्ड आया था, उस पर रखे थे, उन्होंने बजाया वो भजन, सुनते ही जो गंगा से नहा, मैं नहा ही रहा था, भजन बजा, मेरी तो सुधबुद चली गई, बाहर निकल के देव जो बैठा तो मुझे समाधि लग गई और दिन भर लगी रही, और वो मैं उनको कैसेट बंद ही नहीं करने देता था, वो बजाते थे, छोटा सा भजन था, मैं कहता फिर इशारा करता था रिवाइंड कीजिए, फिर रिवाइंड, मैं टेप रिकॉर्डर ले लिया, मैं रिवाइंड करता रहता था, सुनता, जब तक वो भजन बजता रहता था मेरी समाधि लगी रहती थी। तो दिन में और कार्यक्रम जो थे शिविर के, मैं कुछ नहीं करा सका, और लोगों ने कराए, मुझे ही शिविर कराना था, मैं तो गंगा किनारे बैठ के वही भजन सुनता रहा और समाधि में डूबा रहा। तो दूसरी सत्तोरी जो मुझे याद आती है वो 71 में हुई, वो गंगा के किनारे ही हुई पटना में। तीसरी जो याद आती है मुझे वो प्रयाग में, जहाँ गंगा और यमुना का संगम है, जब हम लोग पूना जाते थे नेपाल से तो वहाँ ट्रेन ऐसी थी कि 4-5 घंटा ट्रेन रुकती थी, ट्रेन चेंज करना पड़ता था, तो 5 घंटा इलाहाबाद में जगह समय मिल जाता था, तूफान मेल से जाके बॉम्बे मेल में चढ़ना पड़ता था, 4-5 घंटा मिल जाता था, तो मैं चला जाता था 4 घंटे में रिक्शा लेके त्रिवे वहाँ संगम पर स्नान करने। और पहली बार गया, स्नान किया संगम पर जहाँ गंगा यमुना मिलती है, स्नान करके निकल के फिर जब नाव पर, हम लोग नाव से जाना पड़ता है, नाव पर बैठे तो फिर सब खो गया, जिसको आप नो माइंड कहते हैं,
और नो माइंड, घंटों नो माइंड रहा। दोस्त लोग फिर संभाल के किस तरह ट्रेन में लाए। तो ऐसा नो माइंड जब हम लोग पूना जाते थे, और मुझे याद आता है जो संगम पर हम स्नान करते थे, तो कई बार ऐसा घटा। सब बात तो नहीं होता था, कई बार तो माइंड बहुत चलता है, चंचल होता है, मन में विचार होते हैं तो नहीं, आदमी की सेंसिटिविटी कम हो जाती है। जब मन में विचार नहीं होते हैं तो बड़ा सेंसेस प्योर होता है। तो वहाँ संगम पर, वो बड़ा पवित्र जगह है इलाहाबाद का, जहाँ गंगा और जमुना मिलती है, तो समथिंग स्पेशल देयर। आई कैन नॉट डिस्क्राइब व्हाट इज स्पेशल, बट समथिंग स्पेशल इज देयर। फिर मुझे कई बार वहाँ सतोरी लगी है, कई बार मैं पुनः जाते समय हमेशा वहाँ उतर के नहाता था, और नहाते ही गंगा से ट्यून हो जाता था। नेपाल से आता था तो गंगा की और प्यास रहती थी, गंगा के लिए बहुत प्यास रहती थी, तो देखते ही बहुत भाव हो जाता था, और नहाने पर तो और हो जाए। तो मुझे याद आता है कि पुणे जाते समय कई बार मुझे सतूरी लगती थी इलाहाबाद में। अब उसको सतूरी कह सकता हूँ, उसे तो समझता नहीं था, लेकिन ऐसे गंगा किनारे मुझे बहुत सतूरियाँ लगी हैं। दो बार उत्तरकाशी में भी हम लोग ध्यान शिविर कर रहे थे, वहाँ लगी ऐसी। बानप्रस्थ में भी जब शिविर हुआ था, दो तीन बार कुंडली के बाद ऐसे ही सतोरी लग जाती थी, नो माइंड हो जाता था। तो मुझे लगता है मुझे जितनी गंगा के नज़दीक इतनी आसानी से नो माइंड हो जाता है और सतोरी लग जाती है, उतना आसानी से कहीं नहीं लगता है। तो लगता है गंगा से कोई पुराना रिश्ता है, सचमुच इसका बेटा हूँ, ये मेरी माँ है। इसके किनारे बैठने पर ऐसा लगता है कि अपने घर में बैठा हूँ। मैंने कहा ना, सब लोग तो नहीं आते हैं, वही आते हैं जिनकी गंगा से कुछ प्रेम है, जिनको गंगा बुलाती है। मैं तो आने के लिए सबको कहता हूँ, लेकिन आप जानते हैं तपोवन में या नेपाल में कितने सन्यासी हैं, सबको मैं कहता हूँ, लेकिन कहाँ सब आते हैं। इंडिया में भी सबको बुलाता हूँ तो कहाँ आते हैं। वही थोड़े से लोग आ पाते हैं जिनको अदृश्य बुलाता है, जिनकी स्वीकृति होती है, जिनका वीसा आ जाता है, गंगा से जिनका वीसा आता है वही आते हैं, बाकी नहीं आ पाते। अभी देखिए विदेशी आए हुए, इनको तो कुछ पता नहीं गंगा के बारे में, जो मैं बोल रहा हूँ वो भी नहीं समझ रहे हैं। इनकी भी बुलाहट, ये सब इनका शरीर जो है वो पश्चात देश में जन्म लिया है, इनकी आत्मा जो है पूर्वी है, कभी न किसी जन्म में कहीं ना कहीं गंगा के किनारे लोग बैठे हुए हैं, इसलिए इनको भी बुला लेती है गंगा। समझ नहीं आता इनको, लेकिन अज्ञात से आमंत्रण मिल जाता है, ये भी आगे हैं, खुश हैं, नाचते हैं। तो इस तरह से जिनको विशाल गंगा देती है वही आ पाते हैं, सब लोग तो नहीं आ पाते हैं, और सब लोग समझेंगे भी नहीं, कितना भी चिल्ला के कहा जाए। लोग इतने अनकॉन्शस हैं, इतने बेहोश हैं कि कौन सुनता है सब बात और कौन समझता है। थोड़े से लोग जो सुपर सेंसिटिव हैं वही ये बात सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। ये गंगा का एक और उपयोग हुआ है, बहुत हिंदुओं ने बहुत अच्छा उपयोग किया है, कि सारे सब तरह के गिल्ड से ये मुक्त कर देती है। जैसे हर धर्म में कन्फेशन है, एक तो पाप पुण्य की धारणा ही उसको तो मानते ही नहीं है, बहुत गलत है जिस तरह की मान्यता रखी गई है। लेकिन अब ऐसा था कि किसी को लगे कि मैंने गलत काम किया तो उसको गिल्ट बन जाता है, तो गिल्ट को धोने के लिए गंगा का उपयोग किया हिंदुओं ने। क्रिश्चियन में क्या है, कन्फेशन बॉक्स होता है, उसमें जाके आप कहिए कि मैंने ये पाप किया है, तो आपको पादरी जो है सजा देगा, कहेगा तो $200 दान दो चर्च को, या 1000 बार जीसस लिखो या मैरी का नाम लो, कुछ कहेगा, तो उससे लोगों के गिल्ट धुल जाते हैं मन से। हिंदुओं ने ऐसा गंगा का उपयोग किया है। गंगा कहेगी गौ, हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा जो अपराध है गौ हत्या, कि किसी के हाथ से गौ की हत्या हो जाए तो हिंदुओं के लिए वो सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा गिल्ट है। यहाँ गौ घाट है ऋषिकेश में ही, वहाँ पर आप कहा गया है कि अगर आप नहा लीजिए तो गौ हत्या का पाप भी धुल जाता है। तो गिल्ट से मुक्ति, ये बहुत गहरा विश्वास हो तो गिल्ट से मुक्ति होती है, श्रद्धा और विश्वास काम करता है, और जो आदमी रिपेंटेंस के भाव से आता है उससे भी होता है।